वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको गैस स्टोव सर्विस करके दिखाने वाले हैं। अगर आपका गैस स्टोव सर्विस करने वाला है तो उसको आपने कैसे सर्विस करना है, तो दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा गैस स्टोव सर्विस करने वाला है उसके बारे में मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ। अगर आपका गैस स्टोव का ये वाला जो बटन है ये नोब आपका जाम होता है, टाइट घूमने लगता है, तो समझ लीजिए आपका गैस स्टोव सर्विस मांग रहा है। उसको सर्विस आप कर दीजिए या सर्विस करवा लीजिए, क्योंकि दोस्तों आप इसके अंदर देखिए रिस्क मत लीजिए। आपको मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि आपका गैस स्टोव कब सर्विस करना है। वैसे तो 6 महीने साल एक में सर्विस कर लेना चाहिए। अगर उससे पहले आपका नोब जाम हो जा रहा है और टाइट घूम रहा है तो आपको सर्विस करवा लेना है, या आपने मेरे वीडियो देखकर खुद से सर्विस कर लेना है। मैंने दोस्तों काफी सारे वीडियो डाल रखे हैं गैस स्टोव के ऊपर कि आपका गैस स्टोव कैसे कैसे सही होगा। अगर दोस्तों आप इस वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो लाते रहें। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। गैस स्टोव को हमने सर्विस कैसे करना है, उससे पहले मैं आपको चला के दिखा देता हूँ कि गैस स्टोव हमारा चल किस टाइप से रहा है। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस टाइप से गैस स्टोव चल रहा है। इसके अंदर क्या है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे जो जाली है इसके हॉल बंद है, ठीक है। दूसरा ये जो हमारा नॉब है ये टाइट घूम रहा है, बहुत ज्यादा टाइट है। अगर आपका नॉब जाम है तो उसको आपने क्या करना है, सिलेंडर को बंद कर देना है। सिलेंडर को बंद करने के बाद आपने ये जालियां उठानी है। ये जालियां दोनों उठा के आपने क्या करना है, साइड पे रख देनी है। इनको साइड पे रखने के बाद दोस्तों आपने गैस स्टोव को सर्विस करना है। सर्विस कैसे करना है, सेम वैसे ही इसको खड़ा करना है। खड़ा करने के बाद दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया है, सिलेंडर को बंद कर देना है। जब आप सिलेंडर को बंद कर दोगे तो ये जो आपका नोब है इसको आपने क्या करना है, ऑन करना है। जब इसको ऑन कर दोगे तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे एक नट आ जाएगा आपके सामने। जब तक दोस्तों आप इसको ऑन नहीं करोगे बटन को, तब तक आपको यहाँ पे नट नहीं दिखेगा। आप इसको ऑफ रखोगे तो आपको यहाँ पे कोई भी नट दिखाई नहीं देगा, तो आपको लगेगा कि इसको हम खोल के कैसे सर्विस करें। तो आपको क्या करना है, सिलेंडर को बंद करना है। सिलेंडर को बंद करने के बाद इसको बटन को ऑन करना है। जैसे आप बटन को ऑन करोगे तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक नट लगा हुआ है, ये कुछ इस टाइप का नट होता है दोस्तों। इसको आपने खोल लेना है। जब आप इसको खोल लोगे तो आपका स्पैंडल निकल के यानी बटन निकल के बाहर आ जाएगा और आप अच्छे से उसको सर्विस कर पाओगे। तो हम इसको खोल लेते हैं। सबसे पहले ये कुछ इस टाइप से खुल जाएगा दोस्तों, बहुत ही आसानी से ये खुल जाता है। इसको खोलने के लिए दोस्तों आपको क्या करना रहेगा, जो बटन है आपका उसको थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करके रखना पड़ेगा, तभी आपका ये नट है ये आराम से खुल जाएगा। ये देखिए कुछ इस टाइप का नट होता है, और इसको आपने ऐसे ही प्रेस करके रखना है और कुछ इस टाइप से इसे ऐसे सीधा कर लेना है। ऐसे सीधा करने के बाद ये जो आपका बटन है ये देखिए आराम से बाहर आ गया। उसके बाद आपने ये स्प्रिंग निकालना है। उसके बाद दोस्तों आपको इसे निकालना है। इसको निकालने के बाद दोस्तों इसे आपने अच्छे से साफ करना है। अभी अच्छे से साफ कैसे करना है, इसको ऐसे कपड़े से साफ कर लेना है। अगर आपको जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया आपके पास पेट्रोल है तो आप पेट्रोल से साफ कर सकते हो, लेकिन वैसे दोस्तों ये पेट्रोल से साफ करने की जरूरत नहीं है, ये कपड़े से भी साफ हो जाती है। कपड़ा आपके पास सूती कपड़ा रहना चाहिए। और देखिए दोस्तों कुछ इस टाइप से इसको आपने साफ कर लेना है। देखिए कुछ ये इस टाइप से ये अच्छे से साफ हो गया है। अभी क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर आपने नोब ग्रीस लगानी है, जो कि मैंने आपको बता रखा है। आप मार्केट से इसको परचेज कर लीजिए, गैस स्टोव की दुकान से ये मिल जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसको गैस स्टोव की दुकान से परचेज कर लेना है। इसको हम नोब ग्रीस बोलेंगे तो गैस स्टोव वाला अपने आप दे देगा आपको। और इसको उंगली में लगा के ये देखिए कुछ इस टाइप से इस पे ग्रीस लगा देना आपने। इस टाइप से ग्रीस लगाने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसको साइड में रख लेना है। या पहले ग्रीस नहीं लगाना है, पहले आपने कोक साफ कर लेना है। इसके अंदर कोक के अंदर ऐसे कपड़ा डालना है। इसके अंदर कपड़ा डाल के ऐसे गोल राउंड करेंगे तो जो भी इसके अंदर कचरा रहेगा दोस्तों सारा का सारा इस कपड़े में लग जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसमें हल्का सा प्रेशर लगाना है। प्रेशर कैसे लगाओगे, सिलेंडर को ऑन ऑफ करोगे 2-3 बार तो यहाँ से प्रेशर निकलेगा। उससे क्या रहेगा, इसमें जो भी कचरा रहेगा थोड़ा बहुत छोटा हल्का सा, तो वो भी उसके साथ निकल जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, इसके अंदर जो आपने ग्रीस लगाया था इसके अंदर एक लाइन होती है इस टाइप की, तो आपने इस लाइन को क्या करना है, नीचे के साइड में कुछ इस टाइप से इसको लगा देना है। जब आप दोस्तों इस टाइप से लगाओगे तो जो आपका ये नट है आपने क्या किया था, नीचे से ही खोला था, तो आपका ये नट बिल्कुल सीधा देखिए डायरेक्शन में आ जाएगा। अभी आपने ये वाला जो नट है यहाँ पे लकसना होता है, ये देखिए कुछ इस टाइप से ये स्पैंडल है, इसके अंदर ऐसे कसना होता है। तो अभी आपने क्या करना है, ये जो वाला होल है स्पैंडल का ये भी नीचे साइड में रखना है, और इसको लगाने से पहले हमने क्या करना है, इसके अंदर स्प्रिंग डालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर सबसे पहले स्प्रिंग डाल लेंगे। स्प्रिंग डालने के बाद इसको हम ऐसे नोब को लगाएंगे। नोब को लगाना ऐसे ही है, ये जो आपका होल है इसमें नट लगेगा तो इसको नीचे रखना है। उसके बाद इसको ऐसे प्रेस करना है।
प्रेस करने के बाद इसको खड़ा करना है और यहाँ पे हाथ रखना है, हल्का सा प्रेस करके रखना है। ये जो आपका नट है इसके अंदर लगा देना है, ये देखिए इसके अंदर ऐसे ऐसे फंसा देना है और ये छोड़ देना है। ये देखिए आपका नट लग चुका है। अभी इसको हमने क्या करना है, पेचकस से टाइट कर देना है। तो कुछ इस टाइप से ये नट आपने टाइट कर देना है। ये देखिए टाइट कर दिया और ये जो हमारा नॉब था पहले जो टाइट घूम रहा था वो देखिए अच्छे से ये वर्क करने लगा है। तो अभी हमने क्या करना है, इसको सीधा रखना है। पहले ये जो हमारा बटन था ये टाइट घूम रहा था और ये देखिए अभी बिल्कुल बढ़िया अच्छे से वर्क कर रहा है, ये बिल्कुल नॉर्मली ये चल रहा है। ये देखिए बढ़िया सा प्रेस हो रहा है और बढ़िया से ये वर्क कर रहा है। अभी हमने क्या करना है, जो हमारी जाली के होल बंद थे वो साफ करने, तो उनको साफ करने के लिए दोस्तों कुछ इस टाइप से आपके पास पिन रहना चाहिए। जब आपके पास इस टाइप का पिन रहेगा तो आपने ये हॉल के अंदर ऐसे डाल के ये जो आपका जाली का हॉल है ये आपने साफ कर लेना है। ये देखिए बहुत ही आसानी से ये आपके हॉल साफ हो जाते हैं। ये हॉल साफ करने का फायदा ये रहता है, अगर जाली के हॉल बंद रहेंगे तो जो आप कोई भी सामान बनाओगे तो वो आपका सामान जल्दी नहीं बनेगा, दूसरा आपका जो गैस है वो खराब जाएगा, मतलब व्यर्थ जाएगा। व्यर्थ इसीलिए जाएगा क्योंकि साइड से निकलेगा, उसका सेक कम लगेगा और आपके कोई काम नहीं आएगा। तो इससे क्या रहेगा, आपका गैस ज्यादा बलेगा और आपको लगेगा कि हमारा सिलेंडर जल्दी खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है, ये जाली की जो हॉल है वो साफ करके रखने हैं। और आपको मैंने गैस स्टोव का जो सर्विस है वो करके दिखा दिया है कि गैस स्टोव का आपने सर्विस कैसे करना है। और अगर आप इस वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही नए से नए वीडियो लाते रहें। तो देखिए दोस्तों, ये जाली के जो हॉल थे वो हमने साफ कर दिए हैं। अभी हम इसके ऊपर रख के आपको चला के दिखाते हैं। पहले हमारा गैस स्टोव किस टाइप से जल रहा था वो आपने देख ही लिया होगा और अभी हम आपको ये चला के दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको हमने आपको ये देखिए दोस्तों, तो कुछ इस टाइप से हमारा जो गैस स्टोव है अभी सर्विस भी हो चुका है और जो हमारे जाली के होल बंद थे अभी देखिए गैस स्टोव हमारा मस्त चल रहा है और ये देखिए सिम करने पे बंद भी नहीं हो रहा है और इसको हमने आपको सर्विस भी करके दिखा दिया, प्लस इसके जो जाली के होल थे वो बंद थे और उनको भी मैंने आपको साफ करके दिखा दिया है। तो आई होप दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलें ताकि हम आप लोगों के लिए नए से नए कॉन्टेंट पर वीडियो ला सकें। तो वीडियो दोस्तों यहीं तक था, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।